कैसी लगी स्ट्रीट डांसर? मूवी बहुत अच्छा था, टू से काफ़ी अच्छा था, फर्स्ट भी बहुत अच्छा था, ऑलमोस्ट अच्छा था, सुपर मूवी। इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो कितना पसंद आया आपको? बहुत अच्छा लगा, इंडियंस के बारे में दिखाया कि लोगों को लॉयल रहना चाहिए, काफ़ी अच्छा था, कॉन्सेप्ट अच्छा था, डांसिंग भी बहुत अच्छा था, सभी अच्छा था, एवरीथिंग विल फाइन। ओके, वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की केमिस्ट्री के बारे में क्या बताना? केमिस्ट्री बहुत अच्छा था, शायद से उनका फर्स्ट मूवी में इतना अच्छा केमिस्ट्री था ना, ABCD 1 और 2 से ज़्यादा थी, में अच्छा था। और बाकी सब स्टार कास्ट के बारे में क्या बताना चाहेंगे सबके? स्टार कास्ट के बारे में मुझे राघव का बहुत अच्छा लगा इस बार, सबका ही अच्छा था, ऑलमोस्ट वेरी नाइस। स्टोरी में कितनी दम लगी आपको? स्टोरी 100% गुड गुड गुड। ओके, आउट ऑफ 5 कितने दोगे आप? 100 में से 100 या 99। ओके ओके, थैंक यू, गुड मूवी। थैंक यू, थैंक यू। वेट, मैं पूछती हूं। बहुत अच्छी थी, डांस देखने में बहुत मजा आया। सबसे अच्छा डांस किसका लगा आपको? सबका ही अच्छा था, प्रभुदेव का मुकाबला। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की केमिस्ट्री कैसी लगी? बढ़िया, केमिस्ट्री अच्छा, जो अच्छा उनका डांस ज्यादा अच्छा था। कितना पसंद आया आपको? बहुत पसंद है, 10/10। स्टोरी में कितनी दम लग रही है? स्टोरी इतनी अच्छी थी, डांस देखने में मजा आया था। आई लाइक द स्टोरी, लाइक इट हैज अ गुड मैसेज, सो रियली गुड, आई लव्ड इट, थैंक यू। व्हाट आर योर नेम? 4 बहुत नाइस मूवी, अच्छी थी, बहुत अच्छी मूवी थी। क्या सबसे ज्यादा पसंद आया आपको? डांस और उनके बहुत सारे एक्ट थे, बहुत मजा आया। अगर स्टोरी की बात करूँ तो वो कितना पसंद आया? ओए बहुत मूवी, बहुत बहुत पसंद आया। श्रद्धा और वरुण की केमिस्ट्री कितनी पसंद आ रही? बहुत अच्छी थी, नाइस थी। नूरा फतेही कितना पसंद आ रही? बहुत अच्छा डांस किया, भी अच्छा, उन्होंने भी डांस अच्छा किया। मूवी में डांस भी बहुत अच्छा था और गाने भी अच्छे थे, मूवी भी एक नंबर अच्छी लगी। एक नंबर अच्छी थी। आउट ऑफ 5 कितने स्टार दोगे आप दोनों? 95 तक दे देंगे, 9500। आउट ऑफ 5? 5। अच्छा, आउट ऑफ 5 में, आउट ऑफ 5। थैंक यू, थैंक यू। सो मैम, कैसी लगी आपको मूवी? इट वाज सुपर्ब, वेरी नाइस, आई लाइक इट, एंजॉयड, इमोशनल। डांस के बारे में अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा किसका डांस पसंद आया? मेनली द हीरो एंड द प्रभु देवा। ओके, वरुण और श्रद्धा की केमिस्ट्री कितनी पसंद आई आपको? वरुण और श्रद्धा की केमिस्ट्री कितनी पसंद आई? इट वाज एक्सीलेंट। नूरा फतेही का काम कितना अच्छा लगा? आई थिंक सो, ईच एंड वन आई हैव डन द बेस्ट, एवरीवनस परफॉर्मेंस वाज एक्सीलेंट। आउट ऑफ 5 स्टार कितने दोगे आप? आउट ऑफ 5 स्टार कितने दोगे? आउट ऑफ 5 5 थैंक यू, थैंक यू। सो मैम, आपको मूवी कैसी लगी स्ट्रीट डांसर? बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत कुछ सीखने भी मिल रहा है, स्टोरी भी अच्छी थी, इल्लीगल इमिग्रेंट्स भी थी जो अब्रॉड में थे और उन लोगों को हेल्प करने पे बेस्ड थी। वरुण और श्रद्धा की केमिस्ट्री कितनी पसंद आई? बहुत अच्छी थी, हालांकि उन लोग अलग अलग टीम में थे और ज़्यादा टाइम वैसे उनकी केमिस्ट्री पर फोकस नहीं था, स्टोरी पर फोकस था जो अच्छा था। नूरा का काम कैसा लगा आपको? शी इज़ अ वेरी गुड डांसर, उनका डांस बहुत ही अच्छा था। अगर गाने की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कौन सा गाना आपको पसंद है? मुझे पसंद है इलीगल वेपन, वो बहुत ही अच्छा गाना था, और मुकाबला। इस मूवी का डायरेक्शन कितना पसंद है? काफ़ी अच्छा था, 3D इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा यूज़ हुआ। 4.5 बस, अमेजिंग, बहुत अच्छी लगी। नूरा फतेही का गर्मी का स्टेप बहुत अच्छा था, और सेमीफाइनल में उन लोग बैटल करते हैं रॉयल्स और स्ट्रीट डांसर, वो बैटल सबसे अच्छा था, स्लो मोशन सब कुछ। वरुण और श्रद्धा की केमिस्ट्री के बारे में क्या बताना चाहोगे? केमिस्ट्री तो बहुत अच्छा था, केमिस्ट्री बहुत अच्छा था, वो 10 सेकंड था, 1000 सेकंड 10 सेकंड का हक था, हम लोग काउंट कर रहे थे, और वरुण इंडिया से है, श्रद्धा पाकिस्तान से है, फिर भी उसका केमिस्ट्री बहुत अच्छा था, तो बैटल बहुत अच्छा था, बैटल भी, डांस तो डांस भी अलग लेवल। अगर गाने की बात करूँ तो सबसे ज्यादा कौन सा गाना पसंद आया? बेजुबा, वो स्लो मोशन सेमीफाइनल्स में बहुत अच्छा था। नूरा फतेही का काम कैसा लगा? नूरा फतेही का वो गर्मी का स्टर तो बेस्ट है, हम लोग भी करते हैं। और बाकी सारे स्टार कास्ट के काम कितने पसंद आए? राघव का बहुत अच्छा था, उसका एक्सीलेंट था, और सब लोग का बहुत अच्छा था, धर्मेश का भी, काफी इमोशनल थी मूवी, या काफी, या एक अच्छा मैसेज था, इंडिया और पाकिस्तान के इमिग्रेंट्स लंदन में रह रहे थे, उन लोग वापस नहीं आ सकते थे, तो अच्छा मैसेज था। सो इस मूवी से आप दोनों क्या लेकर जा रहे हो अभी?
डांस क्या मैसेज लेकर जा रहा है? ये मैसेज लेकर जा रहा है कि हम लोग को खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि सब लोग भूखे पड़े हैं अभी. ओके ऑन टू 5 सेकंड तो क्या 5 5 1 5 लाइक करोड़. थैंक यू. अगर कोई डांस स्टेप कर दो तो वेल मुकाबला मुकाबला. ओके 5 6 7 ने सारे यार. Okay. सर आपको मूवी कैसी लगी स्ट्रीट डांसर? स्ट्रीट डांसर इट वाज ऑसम मूवी. फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ, वीडियो छोड़ के भागो मत, बता रहा हूँ क्या है मूवी में. रेमो डिसूजा और वरुण धवन काफ़ी बदनाम हो चुके थे, वरुण धवन कलंक के वजह से और रेमो डिसूजा अपने रेस 3 के वजह से. वो सारे दाग इस मूवी में धुल चुके हैं बॉस. यू कैन गो एंड वॉच एंड एंजॉय द मूवी. बहुत मस्त मूवी है. वरुण एंड श्रद्धा की केमिस्ट्री से बेस्ट लगी मुझे उनके और नोरा के साथ में जो एक केमिस्ट्री दिखाई गई है. नोरा फातिह जो है उनके साथ में गर्लफ्रेंड वाला रोल है और फर्स्ट टाइम उनको आइटम सॉन्ग के अलावा कुछ और करते हुए देखा है. हमेशा उनको हेट करता था कि वो यार स्किन शो करती है और बस लोग रीमेक्स के ऊपर में उसको देखना चाहते हैं, बट दिस टाइम शी इज़ डिफरेंट, टोटली डिफरेंट, गुड एक्टिंग एंड इट्स अमेजिंग मैन. यार इंटरवल के बाद में सबको पता पहले से ही होगा, अगर ABCD 1 और 2 अगर आपने देखा है तो आपको शुरू से पता होगा कि वो सेकंड हाफ में एंट्री मारते हैं और एंट्री मारने का एक ही रीज़न होता है कि जितने भी ऑडियंस उसको खींच ले. एंड फर्स्ट टाइम यार जो दो बार मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ क्या सारी ऑडियंस के साथ में धोखा हुआ है कि यार मुकाबला सॉन्ग का बैकग्राउंड ट्रेलर में डाल करके बुला लेते थे, दिस टाइम इट्स रियली द डांस परफॉर्मेंस ओवर देयर और आप जा करके उसको एंजॉय डेफिनेटली कर सकते हो. एंड इट्स अ रिक्रिएशन, द सेम पर्सन सेम थिंग, एवरीथिंग वॉज. फर्स्ट हाफ में आपके दिल को धड़कने पे मजबूर कर देगा लग दी लाहौर दिया, इट्स अमेजिंग. लेकिन रिक्रिएशन की बात अगर कर रहा हूँ ना बॉस, ये जो इस मूवी का खुद का सॉन्ग है जो तीसरी बार रिक्रिएट किया गया है तो बेजुबा, इट्स अमेजिंग. क्लाइमेक्स के लिए एकदम परफेक्ट सॉन्ग है और जिस तरह से इसको डायरेक्ट किया गया है आपको बोर नहीं लगेगा. हो सकता है आप बोलोगे यार इससे पहले दो बार तो देख चुका हूँ यार, अभी क्या देखना नया है. एवरीथिंग इज़ न्यू, लिरिक्स बीट्स और इसमें डांस परफॉर्मेंस सब कुछ न्यू है. ओके अगर कोई दो लाइन गाना गुनगुना दो या फिर कोई स्टेप अगर करके दिखा. सॉरी सिंगिंग एंड डांसिंग में बहुत बेकार हूँ मैं. ओके आउट ऑफ 5 इसका कितने लगेगा? 4.5 out of 5 बिकॉज फर्स्ट ऑफ थोड़ा सा स्लो लगेगा आप रेगुलर अगर मूवीज देखते हो, वरना आपके लिए 5 out of 5 है बॉस. जस्ट गो एंड वॉच, इट्स फटैक मूवी. यप. मूवी कैसी लगी स्ट्रीट डांसर? बहुत अच्छा था. जो एक्सपेक्टेशन थी उसमें खड़ी उतरी? हां हां वो तो मानी. बहुत अच्छा, गर्मी ने तो बहुत अच्छा काम किया. वरुण का मूवी बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़ा आया. और मैं तो स्पेशली गई थी नौरा राघव के लिए मूवी देखने के लिए, राघव अपना भाई है. सो बहुत मज़ा आई. और क्या बताऊँ मूवी के बारे में, क्या बताना चाहेंगे? इंडिया पाकिस्तान का भी इसमें एंगल दिया गया है. हाँ इसमें एक इंडिया पाकिस्तान का एंगल है बट वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है. बाद में वो लोग दोस्त बन जाते हैं और श्रद्धा पाकिस्तान से, एंड मैं बहुत ज़्यादा बताऊँगी नहीं क्योंकि स्पॉइलर नहीं देना है. सो बस ये कि मूवी बहुत अच्छी थी ओवरऑल. और वरुण और नौरा इसमें कपल हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं. एंड आफ्टर दैट मतलब काफ़ी सारी बैटल्स होती हैं एंड सारी चीज. मैं वही तो कह रही हूँ, आप पूछो यार, मैं कब में ब्लैंक हो गई, बहुत सारे इंटरव्यू देख लिया. या प्रभु देवा मैं बताऊँगी, हॉल में जब सबसे ज़्यादा शोर हुआ था तभी हुआ था जब प्रभु देवा की एंट्री हुई थी और बहुत मज़ा आया. ही वॉज लाइक सारे डांसर्स एक तरह, ही वॉज लाइक ही इज़ ऑलवेज फेवरेट ऑफ एवरी वन. सो बहुत मज़ा आया. और नौरा का जब गर्मी आया तो सब लोगों पे गर्मी छा चुकी थी. आपको सबसे ज़्यादा कौन सा गाना पसंद आया? मुझे गर्मी, आई लाइक गर्मी. और इलीगल वेपन भी बहुत अच्छा है, श्रद्धा ने काफ़ी अच्छा डांस किया है. और वरुण और श्रद्धा मतलब दे आर स्टार्स, दे आर एक्टर्स, उसके बावजूद भी दे परफॉर्म्ड वेरी वेल. उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया है तो वो देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया. बाकी सारे स्टार कास्ट के कितने मतलब क्या परफॉर्मेंस अच्छा लगा? ओके सबसे अच्छा धर्मेश ने बहुत अच्छा कॉमिक टाइम दी है. आप उनको देखोगे आपको बहुत मतलब मज़ा आने वाला है, बहुत हंसी आने वाली है उनके कैरेक्टर को देख के. इज़ प्लेइंग अ वेरी यू नो फनी कैरेक्टर
एंड बाकी आपाशक्ति खुराना की मैं तारीफ करना चाहूँगी. उन्होंने एक छोटा सा कैरेक्टर प्ले किया है सरदार का, जो कि बहुत अच्छा किया है. ही वॉज लुकिंग सो गुड, अच्छी एक्टिंग करी है. सॉरी, आई विल गिव 4 आउट ऑफ 5. थैंक यू.